नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कर रही हैं बजट पेश। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, देश को आर्थिक मजबूती के लिए मोदी सरकार ने कोरोना काल में दिए कई आर्थिक पैकेज। रविवार रात सीएम आवास में लगभग एक घंटे तक बैठे रहे उपेंद्र कुशवाहा। सीएम नीतीश कुमार से की खास बातचीत। सीएम से मुलाकात को बताया औपचारिक मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। जेडीयू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बड़ा दावा, उपेंद्र कुशवाहा को बिना शर्त जेडीयू में शामिल होने की कही बात। देश भर में आज से खुलेंगे सिनेमाघर। लगभग 10 महीने बाद खुल रहे सिनेमाघर। कोरोना गाइडलाइंस का होगा सख्ती से पालन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां रविवार की रात उपेंद्र कुशवाहा तकरीबन एक घंटे तक सीएम आवास में बैठे रहे। बता दें कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत होती रही। जब बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा बोले, उनके नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध है। वो संबंध आज के नहीं, पहले से ही नीतीश कुमार उनके भाई थे और आज भी भाई ही हैं। आगे भी नीतीश कुमार उनके बड़े भाई ही रहेंगे, लेकिन दोनों की राजनीति अलग है। नीतीश कुमार की राजनीति अलग है, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अलग। मुलाकात कोई मैंने उस तरह का आप कुछ थोड़े सा भी कहती है मुलाकात है। और सर, अब दोनों भाई में जो दूरियां थी वो दूरी खत्म हो गई? देखिए, दूरी व्यक्तिगत संबंध के आधार पर आप बोल रहे हैं जी, तो दूरी कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं रही है। राजनीति अपनी अपनी है और उसके हिसाब से हम लोग चलते रहते हैं। तो राजनीति में एक अलग अपना तौर तरीका, उसका अपना हिसाब किताब होता है। व्यक्तिगत संबंध किसी से कहीं किसी का रहता है, तो उस तरह से एक संबंध है। उसमें कोई नहीं था संबंध या फिर से बन गया, ऐसा कुछ नहीं। सर, बहुत चर्चा है सर कि दोनों भाई फिर से एक साथ हो सकते हैं। हमने कहा कि देखिए, भाई भाई के को साथ होने की बात है तो साथ है ही, उसमें कहीं कोई अलग नहीं है। राजनीति अपनी अपनी है, जो हम लोग करते रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बिना शर्त जेडीयू में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई डिमांड नहीं है। दरअसल वशिष्ठ नारायण सिंह भी नीतीश कुशवाहा मुलाकात के दौरान वहां मौजूद थे। तो वशिष्ठ नारायण ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण। देखिए, ये स्वाभाविक मुलाकात थी और उपेंद्र कुशवाहा जी इस परिवार के सदस्य लंबे काल तक रहे। किसी कारणवश अलग भी थे, तब भी उनकी वैचारिक यात्रा और इस पार्टी से रिश्ता और जो वैचारिक सोच है वो हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए एक तरह से यदि वो फैसला लेते हैं आने के, इस परिवार में यदि आने का फैसला लेते हैं, तो स्वाभाविक मिलन होगा और मुझको तो प्रसन्नता होगी कि यदि ऐसा फैसला लें। और हमको उम्मीद है कि वो जल्द ही जल्द फैसला ले। अच्छा, क्या लगता है दादा, कुछ समय कब तक हो सकता है चीजें, क्योंकि आप भी साथ में गए थे सीएम हाउस में? देखिए, समय के काल में तत्काल कोई चीजें नहीं होती है, कुछ समय लगता है, इसके थोड़ा इंतजार आप लोग करिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वशिष्ठ नारायण का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई डिमांड नहीं है, वो बिना शर्त के जेडीयू में शामिल होंगे। बिल्कुल, जब से बिहार चुनाव खत्म हुआ है तब से लगातार जो है जेडीयू जो है अपने समीकरण को मजबूत करने लगी हुई है, समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी को लेके कल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी और यह दावा किया जा रहा है जेडीयू के नेताओं के द्वारा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में शामिल होंगे। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस तरह का कुछ बयान नहीं आया है। उनका कहना है कि
नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात थी, बड़े भाई के नाते मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन चुनाव के नतीजों में जिस तरह का उपेंद्र कुशवाहा का परफॉर्मेंस रहा है इस बार, जितने भी उनके विधायक थे उन विधायकों का काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, इसको देखते हुए नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने समीकरण को दोहराना चाहते हैं, यानी कि नौ कुछ समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में जो कुशवाहा समाज है उसकी भागीदारी मजबूत है, तो चुनाव के बाद लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जदयू लगी हुई है। इसी की कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा को भी पार्टी से जोड़ने की जो कवायद है वो चल रही है, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा जो है पार्टी में शामिल होंगे। जी जी बिल्कुल अभिषेक, जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने तो दावा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई डिमांड नहीं है, उनका बिना शर्त के वो जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी मेरे भाई थे, अभी भी मेरे भाई हैं, लेकिन हम दोनों की राजनीति बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से खुल के इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, मीडिया के सवालों से वो बचते हुए दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात थी, नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, इस नाते हम लोग की मुलाकात होती है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि मैं जेडीयू में जाऊंगा, अभी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में शामिल होंगे, और जेडीयू जो है लौकुट समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है, कुशवाहा जो समाज है उसकी भूमिका को जेडीयू इस इलेक्शन में भली भांति समझ गई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो इस बार चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे गए थे, भले ही कोई उम्मीदवार उनके जीते नहीं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है जो भी उनके उम्मीदवार रहे हैं वो काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज उनका रहा है, इसी को लेके नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि पिछले दिनों नीतीश कुमार जो है लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, और उस दौरान लोजपा के सही कह रहे हैं आप कि नीतीश कुमार अपने पुराने समीकरण को बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि बिना शर्त के जेडीयू में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एक घंटे तक सीएम आवास में उन्होंने बैठक की है, औपचारिक मुलाकात बताया इस दौरान उन्होंने, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई देखने को मिल पाएगी कि बिना शर्त के वो जेडीयू में शामिल हो पाएंगे या नहीं? जी देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना शर्त के वो मानने वाले नहीं है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनकी जो शर्त है उसी शर्त पे बातचीत चल रही है, लेकिन खुल के बातें सामने नहीं आ रही है। देखिए उनके शर्त को जेडीयू जो है कितना मान पाती है और कितना उनके शर्त पे अमल करती है, उसके बाद जो है वो एनडीए और जेडीयू का हिस्सा बन सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जो है कोरोना काल के बाद आज स्कूल खुलने वाले हैं, आपको बता सिनेमाघर खुलने वाले हैं, माफ कीजिएगा, लगभग 10 महीने बाद सिनेमाघर खोले जाएंगे, इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वहीं सरकार के इस फैसले से तमाम सिनेमाघर मालिकों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं सरकार ने सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सिनेमाघरों को खोलने का आदेश दिया है। तो कोरोना काल के बाद लगभग 10 महीने के बाद आज देश के तमाम सिनेमा घर खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 10 महीने से कोरोना के चलते देश भर में सिनेमा घर बंद कर दिए गए थे, वहीं अब 10 महीने बाद सिनेमा घरों को खोलने के लिए सरकार ने इजाजत दे दी है। वहीं इस आदेश के बाद सिनेमा घर मालिकों ने राहत की सांस ली है, एक बार फिर से उनका व्यापार पटरी पर आने लगेगा। आपको बता दें कि 10 महीने बाद आज देश के तमाम सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे, सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। वहीं सरकार का फैसला है कि तमाम कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सिनेमाघरों को खोला जाए, वहीं सिनेमाघर खुलने से मालिकों ने अब राहत की सांस ली है।
और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच 39 केंद्र पर इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसमें से 17 केंद्र पर छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक हुई, वहीं दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक होगी। इस दौरान सभी केंद्रों को मिलाकर 46,539 परीक्षार्थी इस दौरान परीक्षा में शामिल होंगे। राजगीर और हिलसा में केवल छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि तीनों अनुमंडलों के छात्रों के लिए बिहार शरीफ में केंद्र बनाया गया है। को लेकर डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। और पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 के चलते नियमों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में बाढ़ के आधा दर्जन स्कूलों और कॉलेजों में भी इंटरमीडिएट परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं, जहां की छात्राएं परीक्षा देने के लिए सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगी। आपको बता दें कि हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल के साथ दंड अधिकारी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे परीक्षार्थी शांतिपूर्वक तरह से परीक्षा दे सकें। तो आधे दर्जन स्कूलों कॉलेजों में बनाए गए हैं परीक्षा सेंटर। आपको बता दें कि पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 के नियमों को देखते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू करवा दी गई हैं। इसी क्रम में बाढ़ के आधा दर्जन स्कूलों में और कॉलेजों में भी इंटरमीडिएट परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें छात्राएं परीक्षा देने के लिए सुबह 8 बजे से ही पहुंचती हुई दिखाई दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां बाढ़ में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते सुबह 8 बजे से ही छात्राएं परीक्षा केंद्र में पहुंचने लगी हैं। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे, खबरें सुपर फास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही हैं। आपको बता दें कि आज ये तीसरा बजट है, वहीं कोरोना काल में पेश होने वाला ये पहला बजट है जो पेपरलेस है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट संसद में पेश कर रही हैं। ऐसे में बजट को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो संसद में बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चाएं की, कई घोषणाएं भी की। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान भी किए। आपको बता दें कि इस दौरान वित्त मंत्री ने कोरोना काल में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों की तारीफ भी की। वहीं उनका कहना कि मोदी सरकार ने देश को आर्थिक मजबूती के लिए कई आर्थिक पैकेज दिए हैं। बता दें कि वित्त मंत्री ने शिक्षा, रोजगार, कृषि, इंश्योरेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में कई बड़ी घोषणाएं की, साथ ही बिजली क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान किए। आपको बता दें कि इस दौरान निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिए जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना को लेकर के भी बातें कही। उनका कहना कि इस दौरान एक करोड़ और लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके चलते गैस पाइपलाइन योजना का लाभ इन सभी लाभार्थियों को मिल पाएगा। तो तीसरा बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। खास बात यह है इस बजट में कि कोरोना काल में पेश होने वाला ये पहला पेपरलेस बजट था, जो
निर्मला सीतारमन ने आज पेश किया। आपको बता दें कि इस दौरान वित्त मंत्री ने कोरोना काल में केंद्र सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। वहीं सीतारमन ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, कई घोषणाएं की हैं। कोरोना काल में जहां लोगों का रोजगार ठप होते हुए नजर आया, वहीं एक बार फिर से रोजगार में इजाफा देने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना बजट पेश किया है। पेपरलेस बजट, ये पहला पेपरलेस बजट आज संसद में पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में कई बड़ी घोषणाएं की। वहीं कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। आपको बता दें कि इंश्योरेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं कहीं की। वहीं बिजली क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान भी किए। और इसी खबर पर चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार प्रगति जी। प्रतुल जी, संसद में बजट पेश किया गया है, कई क्षेत्रों में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं वित्त मंत्री के द्वारा। जी बिल्कुल, ये बजट ऑफ होप है, बजट फॉर टुमारो है। और जिस तरीके से कोरोना के बाद पूरी वैश्विक मंदी से पूरा दुनिया जूझ रहा था, तो भारत भी उससे अपवाद नहीं था। तो हमें कोई उम्मीद है कि इस बजट से हमारी इकोनॉमी जो है वो किक स्टार्ट होगी और जो हमारा पुराना जीडीपी के ग्रोथ का टारगेट था अगले 2-3 वर्षों में हम उसे पकड़ लेंगे। और वैक्सीनेशन की भी बात करें तो 35,000 करोड़ का स्पेंड दिया गया है वैक्सीन ड्राइव के लिए। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हेल्थ की बात करें, हेल्थ में स्पेशल फोकस रहा है इस पूरे बजट के दौरान। और इसके अतिरिक्त एजुकेशन रिफॉर्म्स भी हुए हैं और इंडस्ट्रीज को भी रियायतें दी गई हैं ताकि ज्यादा नौकरियां इससे क्रिएट हो सके। तो अगर आप देखें तो हेल्थ सेक्टर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड लैब की कल्पना की गई है और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की कल्पना की गई है। चार रीजनल वायरोलॉजी से जुड़े नेशनल इंस्टीट्यूट की गठन होगा और 64,184 करोड़ का बजट रखा गया। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर न्यूट्रिशन पर फोकस किया गया है और स्वच्छता पर फोकस किया गया है, शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, 1500 स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का बिल्कुल बात कही गई है। शिक्षा, रोजगार, कृषि, इंश्योरेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में उन्होंने ऐलान किए हैं, कई बड़ी घोषणाएं इस दौरान वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। चूंकि कोरोना काल में देश के हर वर्ग के लोगों को लोगों के बीच में आर्थिक संकट पैदा हो गया था, क्या लगता है इस बजट के बाद एक बार फिर से जनता में विश्वास होगा, उनके आर्थिक संकट पर कुछ लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, देखिए ये बजट ऑफ होप है, बजट फॉर टुमारो है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सारे सेक्टर्स में विशेष पैकेजेस दिए गए हैं, टैक्स की रियायतें दी गई है। पूरी कोशिश है कि जो इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, बहुत तो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन बहुत मैसिव हुआ था पहले क्वार्टर में, उसके बाद स्थितियां कुछ बदली हैं। और हाल के दिनों में अगर आप देखें तो पिछले 2 महीनों में जो हमारा जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, उससे उम्मीद जगी है कि आने वाले वर्षों में हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो पुनः अपने जो रिकॉर्ड थे उनको स्थापित करेगा। और एक बड़ी रियायत इन्होंने दी है 75 साल से ऊपर के सिटीजन्स को, जो हमेशा पीछे में पड़े रहते थे, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त किया गया। तो कुल मिलाकर सभी लोगों का इसमें ख्याल रखा गया है और ये हम कह सकते हैं कि कल के नए सवेरे को, कल के नए बिहान को इंगित करता हुआ बजट है। जी जी बिल्कुल प्रतुल जी, चूंकि कोरोना काल का दौर रहा है, काफी लंबे समय से कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है हर तबके के लोग, इस दौरान प्रवासी मजदूरों पर भी काफी रोजगार का संकट, आर्थिक संकट गहराया है। बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत घोषणाएं की गई हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस चल रहा है और 59 करोड़ इससे लाभान्वित होंगे, माइग्रेंट लेबर्स जिसमें सबसे ज्यादा होंगे। और उनके लिए जो हेल्थ हाउसिंग स्कीम्स है उनका एक पोर्टल के गठन की परिकल्पना की गई है जिससे उनको फायदा मिल सके, सोशल सिक्योरिटी जितने स्कीम्स हैं उनका फायदा मिल सके, मिनिमम वेजेस को कड़ाई से लागू करने की बात की गई है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सबके लिए, आप स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो SC ST वुमेन जो भी वर्ग है उनके लिए जो पहले से उनको इंसेंटिव दिया जा रहा था स्टैंड अप इंडिया में वो जारी रखा गया है। और जो मार्जिन मनी थी इन स्कीम्स के लिए, इन लोन्स के लिए, वो 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। मीडियम और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए 15,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
तो पूरे तरीके से आप कह सकते हैं ये बजट ऑफ होप है, ये आशा दिलाता बजट है। प्रतुल जी आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी नमस्कार। राजेश जी आज बजट पेश हुआ है, पेपरलेस बजट पेश हुआ है, इसमें कई वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश की गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? देखिए पिछले छह वर्षों से इसी तरह का बजट पेश किया जा रहा है जो आर्थिक संकट से उबारने के लिए किया जा रहा है, लगातार इस तरह की बातें की जाती है। आज बजट में सबसे बड़ी घोषणा यही है कि केंद्र सरकार जो है अब सब कुछ बेचेगी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, जो भी है, रेलवे के डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, वेयर हाउस है, यानी सब कुछ बिक जाएगा। तो अब और जो स्लैब जो होता है एक आम आदमी की जो नजर रहती है बजट पे वो इसलिए रहती है कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या छूट मिलने जा रहा है, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पेंशन पाने वाले कितने लोग हैं देश में और बाकी कितने लोग हैं, इस अंतर को समझना होगा। आंख में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है, बजट पूरी तरह से बोगस कहा जा सकता है। राजेश जी आपका कहना है कि आंख में धूल झोंकने वाला ये बजट है। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतुल जी, राजेश जी का कहना है कि ये बजट आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है, सरकार इस मोर्चे पर विफल है, सरकार का ये बजट पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। देखिए राजेश ठाकुर जी विपक्ष के प्रमुख नेता है, अच्छे वक्ता है, उनका ये धर्म है कि वो इस तरह की बातों का विरोध करें, लेकिन वो जिन चीजों को बेचने की बात कर रहे हैं तो उन्हें बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए कि जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो बिक्री नहीं होता। दूसरा, ये आर्थिक उदारीकरण का दौर उनके ही मनमोहन सिंह के काल में शुरू किया गया था और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है। और आप देखें जो हम लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंश्योरेंस कंपनीज में 74% किया है तो उसमें ये इंश्योर किया है कि 50% जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के ही हो। तो पूरे तरीके से संतुलित बजट है। अगर हमने डिस इन्वेस्टमेंट का 1,70,000 करोड़ का टारगेट रखा है तो वो इसलिए रखा है कि गरीब कल्याण योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, इनके लिए जो पैसा है, अभी देखिए डायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन में कमी आई है कोरोना के चलते, तो डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए, दूसरे मॉडल्स के जरिए हम अर्थ संग्रह कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को तो राजनीति करनी है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये टर्निंग प्वाइंट बजट था कि नहीं। जी जी बिल्कुल प्रतुल जी, राजेश जी हमारे साथ बने हुए। राजेश जी, प्रतुल जी का कहना है कि ये देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये बजट कितना महत्वपूर्ण है और कितना बढ़ावा देने वाला है हर तबके के लोगों को। देखिए एफडीआई की जब शुरुआत की थी तो ये लोग छाती पीटते नजर आते थे सड़कों पर और लगातार इस बात का विरोध करते थे कि डिस इन्वेस्टमेंट किसी भी शर्त पे थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। आज 100% तक की इन्होंने छूट दे दी है। वैसे तो लोकल और वोकल की बात करते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। अरे आपदा में अवसर सिर्फ लूटने और बेचने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कुछ देश के लोगों के लिए भी कीजिएगा? जब आप कोई इनकम टैक्स का जो साधन की बात होती है, हर बार व्यक्ति ये सोचता है कि हमको टैक्स स्लैब में एक छूट मिल जाए, तो LIC जैसी कंपनियों को बेचने की अब योजना है तो भगवान ही इस देश का मालिक है कि जो लोग LIC कराए हुए उनको आने वाले समय में LIC का जो जब कोई दुर्घटना होगी तो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विदेशी कंपनियां अगर 75% से ऊपर रहेगी तो इनके डायरेक्टर्स रह के भी कर क्या लेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं आम लोगों की भावना को इस बजट से ठेस पहुंची है। और जो जिस तरह से ये ऑटो पार्ट्स में जो बाहर से आएगा ऑटो पार्ट्स, उस पर इन्होंने जो टैक्स बढ़ाने का काम किया है और कई चीजों में मोबाइल में बढ़ाने का किया है। बिल्कुल 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 राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी हमारे साथ प्रतुल जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रतुल जी, केवल कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि ये अडानी और अंबानी की जैसे पूंजीपतियों के लिए ये बजट आया है, इन लोगों की ही जेब भरी जाएगी इस बजट से। देखिए इनको ये भी बताना चाहिए कि LIC IPO ला रहा है उसको ये सेल ऑफ कैसे कह रहे हैं। दूसरी बात, एग्रीकल्चर 2013-14 में देखे तो 33,000 करोड़ की धान की खरीद हुई थी और ये अभी बढ़कर 1,54,00,000 हो गई है।
तहदील की अगर आप खरीद की बात करें तो वो 63,928 करोड़ था 13-14 में, वो बढ़कर 1,72,752 करोड़ हो गया है। दाल की हम बात करें तो 13-14 के 236 करोड़ से बढ़कर 40 गुना वो 10,000 करोड़ के मार्ग को पार कर गया है। तो ये हमारी 6 वर्ष की नीतियों के कारण ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आमूल बदलाव आया है। और मैंने कहा ना, डिस इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है इनकी सरकार ने शुरू की थी, और ये कह रहे हैं कि अगर 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स विदेशी होंगे तो कैसे होगा, लेकिन पता होना चाहिए 50% ही डायरेक्टर्स बाहर के हो सकते हैं, और जो कंपनियां हैं जिसमें 100% भी अगर विनिवेश होता है बाहर की कंपनियों का, उन्हें 50% अपने प्रॉफिट का खर्च इंडिया में ही करना होगा। तो ये जो आर्थिक उदारीकरण का दौर था, ये इनके मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, बड़ी अफसोस की बात है कि आज उस पर ही ये प्रश्न उठा रहे हैं। और हमने हमेशा कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा फोकस रहा है, 13-14 में अगर आप देखें तो कपास में सिर्फ 90 करोड़ की खरीद हुई थी, जो आज बढ़कर 25,000 से ज्यादा करोड़ की हो गई है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट टू फार्मर्स जो होता है वो 16,85 लाख करोड़ हो गया है। जी बिल्कुल, बीजेपी का कहना है कि आर्थिक मजबूती के लिए ये बजट लाया गया है। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी का ये दावा है कि आर्थिक मजबूती के लिए ये बजट लेकर आया है। खुद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में कई ऐसे काम किए हैं जिससे आर्थिक मजबूती मिलेगी देश को। हेलो, राजेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी। राजेश जी, प्रतुष शाहदेव जी का कहना है, बल्कि बीजेपी का भी यही कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये बजट लेकर आया गया है। खुद वित्त मंत्री सीतारमण का भी यही कहना है कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं इस बजट के बाद देश की जनता को आर्थिक मजबूती मिलेगी। लगता है दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना तीसरा बजट पेश किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में यह पहला बजट है जो पेपरलेस है, वहीं इस दौरान तमाम लोगों की आर्थिक मजबूती के लिए यह बजट का पेश किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान शिक्षा, रोजगार और बिजली क्षेत्र जैसे तमाम क्षेत्रों में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर के भी शिक्षा मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।